अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेंडिंग वाइब्स। कैसे हैं आप सब माय यूट्यूब फैमिली? आई होप सो बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ आलू की यूनिक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, तो चलें आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक डिचकी ली है और इसके अंदर मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया है। अब इसमें ऐड कर देंगे 2 अदद प्याज जो मैंने छील लिए थे और 2 अदद टमाटर लिए हैं, इन्हें मैंने फ्रंट से जो है वो कट कर लिया था, और 3 अदद मैंने ड्राई चिली ली है रेड कलर की, और आधा टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है, और आलू मैंने छोटे छोटे से पीस कटिंग करके वो भी डाल दिए हैं बीच में धोकर। और इस दौरान आँच हम बिल्कुल दरमियानी रखेंगे और इन्हें ढक कर 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये गल जाएँ। अब देख सकते हैं 10 मिनट हो चुके हैं और इन्हें अच्छे से बॉयल आ चुका है, और आलू जो हैं हम उससे पहले चेक कर लेंगे, वो बिल्कुल गल चुके हैं। तो अब इन्हें सबसे पहले मैं आलूओं को बाहर निकाल लूँगी, और हमने इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना है कि आलू हमारे ज़्यादा गले में ना हो, क्योंकि हम इन्हें आगे चल के फ्राई भी करेंगे तो ये मज़ीद गल जाएंगे, इसीलिए ये नॉर्मल गले में हो बिल्कुल। और आलू जो है वो मैंने निकाल लिए हैं। आलू निकालने के बाद प्याज, टमाटर और बाकी भी जितने मसाले हमारे गल चुके थे उन्हें अब निकाल कर मैं उनका पेस्ट बना लूँगी, ग्राइंड कर लूँगी, और जो ये पानी है इसे हम रिमूव कर देंगे, इसे हम यूज़ में बिल्कुल भी नहीं लेकर आएंगे। और टमाटरों के छिलके ज़रूर इससे अलग कर लीजिएगा टमाटरों से ग्राइंड करते हुए। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, मैंने दिचकी ली है, दिचकी में मैंने ऑयल डाल लिया है 1 कप, 2 अदद छोटी सब्ज़ इलायची ली है, 1 काली इलायची ली है, और 4 अदद लौंग लिए हैं मैंने, और 1 कड़ी पत्ता लिया है, और इन्हें अच्छे से ऑयल में थोड़ा सा गरम कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ लहसुन के छोटे छोटे से पीस भी करके डाल सकते हैं अगर आपको अच्छे लगते हैं तो। अब मैंने इसमें आलू भी डाल दिए हैं ताकि वो अच्छी तरह से इस मसाले में, गरम मसाले के साथ ही थोड़े से जो हैं वो क्रिस्पी हो जाएं। तो आप देख सकते हैं कि इनका कलर चेंज होने लग गया है। बहुत ही कम टाइम में तैयार होने वाली ये रेसिपी है और बहुत ही मज़े की भी है ये रेसिपी, तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब इस ऑयल से हम आलूओं को निकाल लेंगे और उसी गरम मसाले वाले ऑयल में हम बाकी के मसाले ऐड कर देंगे। 1 चम्मच लिया है लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक, आधी चम्मच हल्दी, और 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, और 1 चम्मच हमने लिया है धनिया पाउडर। आपने अगर मसाला ज़्यादा बनाया है तो आप इसमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक नमक मिर्चें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इन मसालों को 2 से 3 सेकंड के लिए इसी ऑयल में अच्छा सा फ्राई कर लेंगे, और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे वो पेस्ट जो हमने टमाटर, प्याज, मिर्च और अदरक का जो छोटा सा पीस लिया था उसका हमने ग्राइंड कर लिया था ना, वो वाला पेस्ट अब इस दौरान हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम 10 मिनट के लिए इसे ढक कर रख देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब मैंने इसमें डाल देना है सब्ज़ धनिया कटा हुआ और सब्ज़ मिर्चें कटी हुई, और इसी दौरान इसी मसाले में हम डाल देंगे जो हमने आलूओं को फ्राई कर लिया था ना, अब वो आलू डाल देंगे इसमें, और अब इनसे हम मसाले में भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि जो मसालों का टेस्ट है वो आलूओं में भी अच्छी तरह से आ जाए। अब इसके बाद इतना ज़्यादा हमें टाइम नहीं लगेगा आलू बनाते हुए, क्योंकि हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल भून चुका था, अब सिर्फ हम इसमें आलूओं को अच्छी तरह से भून लेंगे। मैंने इसके अंदर कोई भी दही का इस्तेमाल नहीं किया और ना ही कोई एक्स्ट्रा मसाला इस्तेमाल किया, फिर भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 गिलास पानी। आपने अगर आलू ज़्यादा लिए हैं और आपने ग्रेवी ज़्यादा करनी हो तो आप कर सकते हैं, इस दौरान आप पानी ज़्यादा डाल सकते हैं इसमें। अब सालन में बॉयल आ जाए तो इसे हम ढक के रख देंगे, और इस दौरान मैंने लिया है कोयले का एक छोटा सा टुकड़ा, और चूल्हे की दूसरी साइड पर मैंने कोयले को रख दिया है ताकि अच्छी तरह से जल जाए। सालन को बॉयल आ गया है, इसमें आप कोई भी स्टील या सिल्वर का ऐसे छोटा सा बॉल लेके रख लें और उसके ऊपर कोयला रख दें, और अब हम इसे ढक देंगे। और मैंने इस पे कोई ऑयल वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया कोयले पर, और तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और कोयले का दम लग चुका है आलूओं को, तो हम कोयले को निकाल लेंगे। सिर्फ हमें इसका टेस्ट हल्का सा चाहिए तो हम इसे 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रखेंगे बिल्कुल भी, और मैं अब आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से हमारी आलू की ग्रेवी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आई होप सो कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, कुछ नया तरीका आपके लिए लेकर आई हूँ आलू बनाने का। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाला न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।